रूस यूक्रेन की जंग सर्दी के आते ही और हिंसक होती जा रही है। यूक्रेन ने दावा किया कि रूसी सेना ने एक साथ 96 ड्रोन और एक गाइडेड एयर मिसाइल से हमला किया। यूक्रेन की वायुसेना ने बताया कि रात भर भीषण बमबारी के दौरान मिसाइल के साथ 66 ड्रोन नष्ट हो गए। इसके अलावा 27 ड्रोन अलग अलग इलाकों में गिर गए। दावा है कि कई रूसी ड्रोनों को जैमर की मदद से जाम कर दिया गया, जबकि एक ड्रोन बेलारूस के एयर स्पेस में चला गया। रूस के इस भयंकर हवाई हमले में गुस्साए जेलेंस्की ने फिर से अपने पश्चिमी सहयोगियों को कोसना शुरू कर दिया है। जेलेंस्की ने अपने सहयोगियों से ड्रोन और मिसाइल प्रोडक्शन में इस्तेमाल होने वाले जरूरी कंपोनेंट्स के आयात से रूस को रोकने के लिए प्रभावी प्रतिबंध लगाने का भी अपील की। जेलेंस्की ने कहा कि अक्टूबर में यूक्रेन के खिलाफ 2000 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें हमले हुए, जिनमें अभी भी पश्चिमी देशों के कंपोनेंट्स का इस्तेमाल रहा। प्रतिबंधों से बचने के लिए अधिक कड़े निर्यात नियंत्रण की आवश्यकता है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि रूस को यूरोप, चीन और अमेरिका की फर्मों से लाखों की संख्या में अलग अलग पार्ट सप्लाई होते हैं। रूस धीरे धीरे शाहेड ड्रोन और मिसाइलों के साथ अपने दैनिक हमलों को बढ़ा रहा है। वह ऐसा करने के लिए अभी भी पश्चिमी पार्ट्स का उपयोग कर रहा है। अकेले अक्टूबर महीने में ही यूक्रेन के खिलाफ लगभग हर दिन 2000 से ज्यादा शाहिद लॉन्च किए। प्रतिबंधों को बढ़ाया जाना चाहिए और प्रभावी होना चाहिए। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने बीते रविवार को बताया था कि रूस ने पिछले सप्ताह लगभग 900 गाइडेड एरियल बम, 500 ड्रोन और 30 मिसाइलें लॉन्च किए। इस दौरान जेलेंस्की ने यूक्रेन के सहयोगी देशों से लंबी दूरी के हथियार हासिल करने की अपील की। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने इस मामले में सहयोगियों के रुख पर नाराजगी जताते हुए इसे रूस और उत्तर कोरिया का हौसला बढ़ाने वाला कहा। जेलेंस्की ने कहा कि ये हमले असंभव होते अगर हमें दुनिया से पर्याप्त समर्थन मिलता। कीव अभी भी अपने पश्चिमी भागीदारों से रूसी धरती पर हिट करने के लिए उनकी ओर से दिए गए लंबी दूरी के हथियारों का इस्तेमाल करने की हरी झंडी का इंतजार कर रहा है, जिसमें उन शिविरों और यूक्रेनी हमलों को रोकना भी शामिल है जहां उत्तर कोरियाई सैनिकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। दरअसल अमेरिका और ब्रिटेन ने इस मामले में फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया है। यूक्रेन अभी तक रूस की सीमाओं के अंदर हमले के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। वहीं रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रूस के 3 इलाकों में रविवार रात को 19 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए गए। रोस्तोव में 16, बेलगोरोड में 2 और वोल्गोग्राड क्षेत्र में 1 ड्रोन को नष्ट किया गया। इस दौरान बेलगोरोड में यूक्रेनी ड्रोन हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई।